किया है। मैं बताना चाहूँगा, आज केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को जोगतंत्र बना के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा पिछले दिनों से, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा वसूली किया। आप खुद समझते हैं कि भी ये जो माहौल, ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा है, आज पूरे के पूरे देश में गरमाया हुआ है। और इस मुद्दे के उजागर होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में आपको दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा जो इतना बड़ा इसको हम कह सकते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, इसका खुलासा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर हफ्ता वसूली करने वाली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटॉर्शन का यह मॉडल खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से आज पूरे के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के, आप देखोगे कि भी ऐड के नाम पर जितना भी प्रचार प्रसार जो चला है, करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार। एक तरफ कहीं ना कहीं युवा परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ऐसे में करोड़ों रुपए का जो प्रचार किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं इसको साफ तौर पर कहना चाहूँगा, यह आपराधिक खेल है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है। इसके भी कुछ अलग अलग नियम हैं। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ कट लिया, एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ से चंदा लिया। ईडी, आईडी, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे जांच एजेंसियां, जो उच्च जांच एजेंसियां थी, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वसूली एजेंट बनकर काम कर रही है। जो कभी देश के उच्च संस्थान हुआ करते थे, वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। कोई भी स्थिति हो, मैं कोई भी स्थिति में नहीं, वह इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके, इसलिए आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो सच्चाई है, जो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जिसके जरिए आने वाला जो लोकसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी लड़ने की लिए तैयार है, उसकी सच्चाई बताने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं कहना चाहूँगा, सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से मैं झिझक नहीं करूँगा। मुझे पता है कि भी आज जो भी देश में जो भी संगठन है, जो भी विपक्षी संगठन है, जो भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। मैं साफ तौर पर बताना चाहूँगा, सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आज देश में हफ्ता वसूली सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे प्रमुख संस्थानों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए खुलेआम इस्तेमाल कर रही है। इसका एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल पिछले कल देखा, किस प्रकार से चुनावों के नजदीक देश के राजधानी के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये एजेंसियां हैं ईडी, आईटी, सीबीआई के द्वारा किस प्रकार से इनको अरेस्ट किया गया, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खुली हत्या है। आपने सुना होगा चुनावों के समय या अक्सर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर अब उल्टा हो चुका है। अब बन गया है, मुझे जम के खिलाओगे तभी खाने दूंगा, नहीं तो ईडी, सीबीआई और आईटी घर पर भेज दूंगा। जो विपक्षी नेता झुक और बिक नहीं सकता, मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जो विपक्षी नेता झुक और बिक नहीं सकता, उनको जेल में डाला जा रहा है, और जो झुक और बिक रहे हैं उनको भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालकर धुलाई के बाद ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आपने देखा किस प्रकार से पिछले दिनों
जो हमारे विधायक थे कांग्रेस पार्टी के विधायक, उन पे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उन पे दबाव बनाया गया, किस प्रकार से उनको परेशान किया गया और कहीं ना कहीं उन पे दबाव बनाया गया कि वो कहीं ना कहीं यहाँ से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उनको मजबूरन उनको वहाँ जाना पड़ा और कहीं ना कहीं अब वो मजबूरी में वहाँ फंसे हैं। मैं इसलिए साफ तौर पर कहना चाहूँगा इस प्रकार की जो क्रिया है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा एक तरफ लूट घसूट का पैसा इकट्ठा कर चुनावों में झोंक दिया जाएगा, दूसरी तरफ चुनावों में एक महीने पहले देश के सबसे बड़े जो आज का प्रमुख जो एक एजेंडा है देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, साथ में युवा संगठन हमारा युवा कांग्रेस की बात करें, NSUI की बात करें, उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो हम इसका भी पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ में पिछले दिनों जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किस प्रकार से जो हमने गारंटियां चुनावों से पहले जो हमने गारंटियां देने का जो वादा किया था उसमें से लगभग 4-5 गारंटियों को उन्होंने पूरा किया, जो सबसे बड़ा OPS को बहाल किया उसके लिए पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी है उनका वो धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ जो महिलाओं का 1500 का जो मुद्दा जो स्पीति से शुरू किया गया था कि भी महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे, उसको पूरे के पूरे प्रदेश में 18 वर्ष की आयु से ऊपर 80 साल तक की महिलाओं को जो 1500 रुपये का एक जो गारंटी थी उसको भी पूरा किया, जिसमें पूरे के पूरे प्रदेश की महिलाओं में एक हर्षोल्लास था, एक उत्साह था, कहीं ना कहीं इससे बौखला कर किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जो विपक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने किस प्रकार से 1500 रुपये को ना देने के लिए किस प्रकार से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए, उनको किस उन्होंने देखा कि ये जो एक 1500 वाला जो मुद्दा है काफ़ी गर्मा रहा है, काफ़ी लोग यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस की ही महिलाएं नहीं, आम महिलाएं नहीं कि भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी इससे काफ़ी खुश थी, वो भी ये फॉर्म भर रहे थे, पर उन्होंने देखा कि एक तरफा ये माहौल बनता जा रहा है तो इस पर दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है मैं बताना चाहूँगा, जो किसान सम्मान निधि है आप देखिए चुनावों के नज़दीक उसमें किस तेज़ी से ये लोग अपने जो किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये डालने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये कहते हैं कि एक तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनाव के नियमों के खिलाफ है, पर आप किस तेज़ी से आप केंद्र सरकार के द्वारा 2000 रुपये का एक लोभ लालच देकर अपने वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम इसका गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अब देखिए जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी जैसे इससे पहले भी मैं बताना चाहूँगा जब बाई इलेक्शन हुआ था मंडी का और छः जितने भी हमारे जो बाई इलेक्शन विधानसभा के हुए थे उसमें भी हमने हमारे लड़कों ने भी कहीं ना कहीं एक नामांकन एक पार्टी के प्रक्रिया के तहत नामांकन किया था और अभी भी 6 बाई इलेक्शन होने हैं विधानसभाओं के और लोकसभा का चुनाव है। और मैं पिछले दिनों दिल्ली में हमारी यूथ कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी, कृष्णा अलावरो जी, उनसे मिलकर हमने फिर से मांग की जिस प्रकार से हमने पिछले विधानसभा चुनावों में युवाओं को टिकट देने की पैरवी की थी और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर उसमें काफ़ी सारे 10 से 15 युवाओं ने नामांकन भी पार्टी के पास अपना रखा था कि भाई हम भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं। उसी के तहत इस बार भी हम सीनियर लीडरशिप से मिले हैं और हमने कहा है कि भी चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे हमारे बाई इलेक्शन हो इसमें युवाओं को तरजीह दी जाए। उनका जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मुद्दा है इसमें हमने सबसे पहले जब ये मुद्दा निकला था जब इसका खुलासा हुआ था सबसे पहले युवा कांग्रेस के द्वारा शिमला में ही इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और आज भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड और जो अकाउंट फ्रीज का मुद्दा है इसमें हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अलग अलग जिलों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।